प्रतिमानों के अक्षर से मेरा ये प्रतिमान सुनो, निज वसुधा की पावन माटी इसका ही यशगान सुनो। तुम प्रतिमानों के अक्षर से मेरा ये प्रतिमान सुनो, निज वसुधा की पावन माटी इसका ही यशगान सुनो। सौर्य लिखा सोनित से जिसने उसका ही गुणगान सुनो। मेरी कविता में केवल तुम जय जय हिंदुस्तान सुनो, मेरी कविता में केवल तुम जय जय हिंदुस्तान सुनो। आइए एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ जो अंदर तक आपको आह्लादित करेंगे। एक बार जरा जोरदार तालियों के बीच आदरणीय रुद्र प्रताप रामेश जी को आमंत्रित कीजिए। रुद्र प्रताप, अब आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा सुनने के बाद कुछ सुनने का मन करता है? मुझे तो सुनाने का ही मन नहीं कर रहा है। अरे भैया सुनाइए आप एक बार जरा जोरदार तालियों के बीच। भैया पद अच्छा पढ़ते हैं, सबसे गजल अच्छा पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़े, इतने अच्छे श्रोता हैं, जब मुझे से को सुन लिया जा रहा है तो आपको सुनाई जाएगा। जोरदार तालियों के बीच में भैया का अभिनंदन कर दीजिए। अब यहाँ पे तो सुशांत भाई अवस्थी जी, संकल्प भोले और आनंद जी, और इनको सुनने के बाद हर बार यही लगता था अगर इसके बाद मुझे सुनाना पड़े तो मैं क्या सुनाऊंगा, क्योंकि सब एक दिशा परिवर्तन करने वाले काव्य के साथ उपस्थित हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हम कवियों की क्या जरूरत, आखिर भाषा की क्या जरूरत, भाषा की बस इतनी ही जरूरत है कि ड अगर न हो जाए तो गणतंत्र गणतंत्र हो जाएगा। तो बस इसी के लिए ये छोटे मोटे आयोजन होते रहने चाहिए। और इस सभागार में चंपा मैम बैठी हैं जो अपनी सुगंधी से इस सभागार को झंकृत किए हुए हैं, और वंदना स्वरूप खुद वंदना मैम बैठी हुई हैं, तो मैं उनका ध्यान चाहूंगा। और बहुत अच्छा सुना आप सबने, मैं चाहूंगा कि भारत की उस अंतरधारा की तरफ चला जाए जो भारत को भारत बनाती है। वीरों का काम तो है ही उसकी रक्षा करना, लेकिन किस चीज की रक्षा करना, क्या है जिसके लिए लड़ा जाए, क्या है जिसके लिए मर मिटा जाए। तो मैं चाहूंगा कि भारत की उस छवि की तरफ हम लोग थोड़ा सा रुख करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं संभवतः अंतिम में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी इतने लोग हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए ताली एक बार बजा लीजिए ताकि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट मुझे झेल सकें। झेलना नहीं है, कहीं जा निसार अख्तर साहब ने लिखा कि असार मेरे यूं तो जमाने के लिए है, कुछ शेर फकत तुमको सुनाने के लिए है, और ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हम लोग थोड़ी बहुत चहल पहल के साथ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आप तो चहल पहल के साथ पढ़ लेते हैं। भैया बहुत विनम्र है, देख ही रहे हो, इतने विनम्र हैं, और विवाह के बाद इतना व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो भैया विनम्र है और पूरी विनम्रता के साथ ये वैसे आधी आबादी पे टिप्पणी थी कि ये लोग विनम्र कर देती है। नहीं, उनके बारे में क्या कहा जाए, आदरणीय मैम बैठी हैं, तमाम बहनें हमारी बैठी है। स्त्रियों को परिभाषित करना बहुत कठिन है। हवा से तरलता, नैनों से निष्ठा, प्रेम से प्रकाष्ठा, नदी से समर्पण की एक बूंद उठाई होगी तब जाकर विधाता ने कहीं बेटी बनाई होगी। ये इनका सम्मान है, हम किसी अनर्गल टिप्पणी के सहारे अपनी माताओं को संबोधित नहीं करना चाहते। आप बड़ी हैं, हमें क्या कहना है, लेकिन विनम्रता आप देती हैं, हर फल पेड़ विनम्रता देता है, इसलिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। भैया पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। तो जिस बेटी की तरफ से ये आते हैं मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। एकदम स्वागत और रुबाई सुनाऊंगा। रुबाई जैसा कि आप जानते हैं उमर खयाम की रुबाइयाँ, जिन्हें हिंदी में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत चर्चित कर दिया था, तो मैं रुबाई छंद से शुरू कर रहा हूँ। स्वागत। रुबाई जैसा कि खयाम साहब ने इसे बहुत फेमस किया था, वो संगीतकार खयाम नहीं, उमर खयाम। उमर और रुबाई संभवतः क्या उर्दू की सबसे कठिन विधा है जिसमें बहुत कम लोग लिखते हैं, और वीणा पाणी का आशीर्वाद है कि दो चार पंक्तियां मैं भी लिख पाता हूं। स्वागत भी, सब सीखने जाएंगे। तो वहीं से शुरू करता हूं कि हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया, हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया, वो सिर्फ पार करने का मतलब ही था कि ये लक्ष्मण रेखा मेरे लिए नहीं। हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया है मर्दे कामिल की मर्जाद सिया। मर्दे कामिल यानी पुरुषोत्तम,
वो लक्ष्मण रेखा तो पार कर गई, उसमें अंदर में नहीं आती, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम की सीमा बनाती है। मर्याद सीमा, मर्दे कामिल पुरुषोत्तम। थोड़े बहुत मैं उर्दू के लफ्ज भी बताता चलूंगा, मजबूरी है क्योंकि जहाँ थोड़ा सा चिंतन घनिष्ठ होता है कुछ न कुछ ऐसे शब्द आ ही जाते हैं कि हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया, हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया है मर्दे कामिल की मर्याद सिया, मिट जाए दसानन मन उसकी धुन में। मिट जाए दसानन मन, ये मन रूपी जो रावण है उसकी धुन में मिट जाता है, और यही रावण है क्योंकि इसके पांच ज्ञानेन्द्रीय और पांच कर्मेंद्रीय रूपी दस मुख हैं, यही दसानन है। हर लक्ष्मण रेखा से आजाद सिया है मर्दे कामिल की मर्याद सिया, मिट जाए दसानन मन उसकी धुन में। और उस रावण पे भी ध्यान रखिएगा, मिट जाए दसानन मन उसकी धुन में, जो मौन करे वो अनहद नाद सिया। मिट जाए दसानन मन उसकी धुन में, जो मौन करे वो अनहद नाद सिया। जैसा कि हमारे आध्यात्मिक राष्ट्रपिता विवेकानंद कहते हैं कि भारत में सब कुछ मिट जाए और अगर सीता का कैरेक्टर, सीता का चरित्र जीवित है तो भारत फिर से खड़ा हो जाएगा। तो वहां से आप सुनिए, पूछ मत क्या किए रात भर, पूछ मत क्या किए रात भर, पूछ मत क्या किए रात भर, हिजर की मैं पिए रात भर, पूछ मत क्या किए रात भर, हिजर की मैं पिए रात भर, राम बनकर पुकारा किए, हे सिए रात भर। क्या बात है, पूछ मत क्या किए रात भर, हिजर की मैं पिए रात भर, राम बनकर पुकारा किए, हे सिए रात भर। अब खुल रही है सिर्फ सीता मेरे भीतर से, मजबूरी है क्योंकि इतना लोगों ने राम और सीता का नाम लिया, तो राम और सीता बारी बारी से आते रहेंगे। अब शेर सुनिए कि वक्त और सांस रोक कर देखा, वक्त और सांस रोक कर देखा, मैंने कल खुद को आंख भर देखा, वक्त और सांस रोक कर देखा, मैंने कल खुद को आंख भर देखा। आप बनारस से हैं, एक बानर को पूजते हैं लोग, एक बानर को पूजते हैं लोग, राम के नाम का असर देखा। वाह 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 वाह, वक्त और सांस रोक कर देखा, वक्त और सांस रोक कर देखा, मैंने कल खुद को आंख भर देखा, एक बानर को पूजते हैं लोग, राम के नाम का असर देखा। शेर देखें कि अब थोड़ा रामेश्वर की तरफ चलते हैं, जब चीख उठे फट के दिशाएं बरसे, जब चीख उठे आप दिशाएं बरसे, शिव के उस रूप की कल्पना करेंगे, इस चार पंक्तियों में रुबाई चल रही है कि जब चीख उठे फट के दिशाएं बरसे, जब चीख उठे फट के दिशाएं बरसे, छाती में दहड़ दहड़ चिताएं बरसे, जब चीख उठे फट के दिशाएं बरसे, छाती में दहड़ दहड़ चिताएं बरसे, फिर यादें सती में ये बरसती आंखें, फिर यादें सती में ये बरसती आंखें, फिर यादें सती में ये बरसती आंखें, ज्यों गंग घटा बन के जटाएं बरसे। फिर क्या बात है, वाह वाह। जब चीख उठे, वो कल्पना कीजिए जब सती जल रही है और 51 शक्तिपीठों के रूप में चीता दहड़ दहड़ बरस रही है और अब वो याद कर रहे हैं। जब चीख उठे फट के दिशाएं बरसे, छाती में दहड़ दहड़ चिताएं बरसे, फिर यादें सती में ये बरसती आंखें, ज्यो गंग घटा बन के जटाएं बरसे। शेर देखें कि वो भारत की, मैं अंतरधारा की तरफ धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं कि मिलती है गुलामों को कहीं आजादी, मिलती है गुलामों को कहीं आजादी, आजाद ही पाते हैं हंसी आजादी, मिलती है गुलामों को कहीं आजादी, आजाद ही पाते हैं हंसी आजादी, होता है जो आजाद जमी से। रामिश, रामिश मेरा तखल्लुस उपनाम, और
आगे एक तरकीब आएगी फारसी की, अरशे बरी। अरशे बरी सातवें आसमान को कहते हैं, जिसे संत लोग सहस्रार कहते हैं, और गगन मंडल या शून्य शिखर। तो शेर देखें कि मिलती है गुलामों को कहीं आजादी, आजाद ही पाते हैं हंसी आजादी, होता है जो आजाद जमी से रामिश, देता है उसे अरशे बरी आजादी। होता है जो आजाद जमी से रामिश, देता है उसे अरशे बरी आजादी। और एक अपने नौजवान मित्रों के लिए थोड़ा सा मूड परिवर्तन करके फिर मैं आता हूँ। ये दुनिया नीम शब यानी आधी रात, ये दुनिया नीम शब जब नींद की बाहों में होती है, ये दुनिया नीम शब जब नींद की बाहों में होती है, कोई जोगन हमारे नाम की बाला पी रोती है। ये दुनिया नीम शब जब नींद की बाहों में होती है, कोई जोगन हमारे नाम की माला पी रोती है। और भाई साहब आप पूरा कान हो जाइए इस शेर को सुनने के लिए। लबों से अब भी मैं उसके दीवानावार हंसता हूँ, लबों से अब भी मैं उसके दीवानावार हंसता हूँ, वो लड़की आज भी आंखों से मेरी खूब रोती है। बहुत शुक्रिया भाई कि लबों से शुक्रिया भाई, लबों से अब भी मैं उसके दीवानावार हंसता हूँ, वो लड़की आज भी आंखों से मेरी खूब रोती है। क्या बात है। और जिसके लिए ऐसा होता है फिर उसके लिए है कि मैं जो उसका हुआ नहीं होता मेरा ये मर्तबा नहीं होता, मैं जो उसका हुआ नहीं होता मेरा ये मर्तबा नहीं होता, तब खुदा और पास होता है, तब खुदा और पास होता है जब कोई आसरा नहीं होता, तब खुदा और पास होता है जब कोई आसरा नहीं होता। और ये शेर मैं बतौर खास मैम को समर्पित करना चाहता हूँ। चंपा मैम ने गांधी जी की बात की और गांधी जी की एक बात को मैंने शेर में ढालने का प्रयास किया है। स्वागत भैया कि तब खुदा और पास होता है जब कोई आसरा नहीं होता, अमन ही एक रास्ता है बस, अमन ही एक रास्ता है बस। शेर सुनिएगा कि अमन ही एक रास्ता है बस, अमन का रास्ता नहीं होता। क्या बात है। अमन ही के अमन ही, क्या नाम है इनका, शिवम जयंती भाई रुद्र पढ़ रहे हैं तो शिवम क्या करने की जरूरत, एक ही है पर्यायवाची है कि अमन ही एक रास्ता है बस, अमन का रास्ता नहीं होता। और शेर सुनिए के ये फकत पूजता है बुद्ध ही को, ये फकत पूजता है बुद्ध ही को, दिल का कोई खुदा नहीं होता। ये फकत भाई आप हिंदी वाले हैं तो आप जानते ही होंगे कि निर्गुण को पूजने के लिए अंततः सगुण में लाना पड़ता है, उसको साकार बनाए बगैर। और दिल जहाँ भाव है, भाव के लिए कोई ना कोई आलंबन तो चाहिए ही। तो ये फकत पूजता है बुद्ध ही को, दिल का कोई खुदा नहीं होता। और इसका एक आखिरी शेर था कि हमसे कुछ आशिकों का होता है, हमसे यानी हम जैसे, हाँ उसमें आप भी ठीक, कि हमसे कुछ आशिकों का होता है, दर्द सबका दवा नहीं होता। हमसे कुछ आशिकों का होता है, दर्द सबका दवा नहीं होता। मैं सुनाते जाऊं कुछ, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे बस अभी मैं इनको 10 साल 15 साल जाऊंगा पीछे लेकर। एक नई गजल, पिछले बहुत दिनों से कुछ गजलें हो नहीं रही थी लेकिन थोड़ी बहुत हुई हैं, एक आध मैं सुनाता हूं कि कौन ये कह गया खुमार से है राबता मैं का इख्तियार से है, कौन ये कह गया खुमार से है रास्ता मैं का इख्तियार से है। और खास तौर से ऐसे लोगों की, अश्वत्थामा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अश्वत्थामा को दिमाग में रख के ये शेर सुनिए कि कौन ये कह गया खुमार से है राबता मैं का इख्तियार से है, मौत ने भी जिन्हें नहीं मारा,
मौत ने भी जिन्हें नहीं मारा उनको उम्मीद तेरे प्यार से है। मौत ने भी जिन्हें नहीं मारा, मौत ने भी जिन्हें नहीं मारा उनको उम्मीद तेरे प्यार से है। और बंधु हो सकता है कि आप 5 साल पीछे चले जाएं कि रख दे डोली किसी बहाने से, रख दे डोली किसी बहाने से, इतनी ही इल्तिजा का हार से है। और इस शेर पे मुझे अपने उस्ताद मोहतरम सिराज बनारसी साहब का शेर याद आ रहा है कि वो कहार कर रहे थे मेरी आशिकी का मातम, वो कहार कर रहे थे मेरी आशिकी का मातम जो गया था दूर तक मैं तेरी पालकी के पीछे। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बात है भैया की, मतलब देख रहे हैं आप बाबू साहब कितनी दूर तक पहुंच है, यूं ही विषधर नहीं लिपटते, आपकी देह संधली होगी, कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। क्या समर्पण है भाई, जोरदार तालियां भाई। अपने राम और सीता की बात करने के बाद इन्होंने कृष्ण और राधा की तरफ मुझे खींच लाया, तो शेर सुनिए आप लोग, थोड़ा धैर्य चाहूंगा आप सबका। के लग रहे शमसो कमर चश्मे हजी सीता की, आज ये जो सूरज चांद है वो सीता जी की दुखी आंख लग रहे हैं। क्यों? शेर सुनिएगा। कि लग रहे शमसो कमर चश्मे हजी सीता की, आज कौनैन, कौनैन मतलब दोनों जहान। कि लग रहे शमसो कमर चश्मे हजी सीता की, लग रहे शमसो कमर चश्मे हजी सीता की, आज कौनैन पे भारी है किसी राम का दुख। आज कौनैन पे भारी है किसी राम का दुख, रास जो ब्रज में रचाता है वो तो जोगी है। रास जो ब्रज में रचाता है वो जोगी है, रास जो ब्रज में रचाता है वो तो जोगी है। द्वारका जाके जरा देखिए घनश्याम का दुख। रास जो ब्रज में रचाता है वो तो जोगी है। द्वारका जाके जरा देखिए घनश्याम का दुख। और इस पे एक बहुत पहले एक शेर कहा था, खासतौर से आधी आबादी के नाम, के दिल में राधा के जो तराना था, दिल में राधा के जो तराना था, कृष्ण को गीता में सुनाना था। निष्काम प्रेम ही तो निष्काम कर्म को जन्म देता है, और राधा जैसा निष्काम प्रेम किसने किया? कि दिल में राधा के जो तर, तो गीता राधा के हृदय की वाणी है जो कृष्णमय होके निकली। कि दिल में राधा के जो तराना था, दिल में राधा के जो तराना था, कृष्ण को गीता में सुनाना था, राम को वर चुकी थी वैदेही। राम को वर चुकी थी वैदेही, जाप का भंग तो बहाना था। बहुत शुक्रिया आपका। कि राम को वर चुकी थी वैदेही, जाप का भंग तो बहाना था। और एक ये बंधु, इन्होंने फिराको निराला की बात की, तो फिराक साहब मेरे महबूब शायर हैं, और निराला से उनकी बनती नहीं थी, और निराला से विमुख कौन हो सकता है? अगर आप हिंदी की खा रहे हैं, हिंदी की गा रहे हैं, तो निराला से अलग नहीं हुआ जा सकता। तो ये भी रुबाई में देखिए कहने का प्रयास किया था कि है सुबह सुखन कैसी उजाला न दिखे। ये काव्य की सुबह कैसी है कि उजाला ही नहीं दिख रहा, कि है सुबह सुखन कैसी उजाला न दिखे, अंतस का तमस काटने वाला न दिखे। है सुबह सुखन कैसी उजाला न दिखे, अंतस का तमस काटने वाला न दिखे, कहने को सभी शायरे आजम है मगर, कहने को सभी शायरे आजम है मगर, कोई भी फिराक अथवा निराला न दिखे। कहने को सभी शायरे आजम है मगर, कहने को सभी शायरे आजम है मगर, कोई भी फिराक अथवा निराला न दिखे। और भारत जो सिखाता है, हम गणतंत्र की सीख देने वाले देश हैं, मोहब्बत की सीख देने वाले देश हैं, तो शेर सुनिए कि
रुबाई ही चल रही है कि अब खोल के आंखों को भला क्या देखूं, अब खोल के आंखों को भला क्या देखूं, हर ठौर मोहब्बत का जनाजा देखूं, अब खोल के आंखों को भला क्या देखूं, हर ठौर मोहब्बत का जनाजा देखूं, जब झांकू किसी दिल में मोहब्बत की जगह, जब झांकू किसी दिल में मोहब्बत की जगह कश्मीर फलस्तीन अयोध्या देखूं, जब झांकू किसी दिल में मोहब्बत की जगह कश्मीर फलस्तीन अयोध्या देखूं। बहुत हो गया, मैं भी थकने लगा हूं, बस एक पद जरूर जरूर के एक तो एक, आप सबसे निवेदन है कि आधे भाई लोग खड़े हैं, कहीं जाना भाई, बैठ जाओ यार दो मिनट। शेर सुनिए के लग जाए दसानन मन पर पूरा विराम, हो रूप अरूप और हो नाम अनाम, जब जीत खुदी लंक मिले नफ्स सिया, तब लब की शोभा बनता जय श्री राम, तब लब की शोभा बनता जय श्री राम। और एक पद से मैं अपनी बात पूरा करूंगा। ये पद ये है कि राम और सीता वन से लौटे हैं और एक अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को लेकर जो प्रवाद अपवाद अवध में फैले हुए हैं, और जब राम को ये खबर पहुंचती है, बहुत ही एक नाजुक बिंदु में उठा रहा हूं, मैं एक प्रयास किया हूं जिसे आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। जब प्रवाद सुनने के बाद अनुचरों द्वारा जब पता चलता है कि सीता के बारे में क्या कहा गया, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी धोबी ने कुछ बोला, हालांकि ये लोग गीतों का मामला है, धोबी ने नहीं बोला था, हर चट्टी चौराहे पे वो जिक्र होता था। दरअसल आज हमारे लिए राम भगवान बनने बैठे हैं, वो तब के लिए एक कोई प्रधानमंत्री ही थी, हाँ जो भी कह लीजिए, और किसी किसी के पति पत्नी के संबंधों को लेकर हमारा समाज की इस तरह की टिप्पणियां करता है, हम आज भी नहीं बदले हैं। तो वो करने के बाद मुझे कहीं नहीं मिला, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ लिखा गया होगा कि राम के मन में भाव क्या है। हम बस इतना ही जानते हैं कि अचानक लक्ष्मण सीता को निकलते हैं, लेकर निकलते हैं और छोड़ के चले आते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सीता की जो अक्रिय प्रतिक्रिया है, उसका राज समझने की किसी ने कोशिश की? संभवतः कवियों ने ही कोशिश की। आखिर आज एक अगर किसी की बेटी निकाल दी जाए, अगर उसके पास एक टाइम खाने का ना हो, तब भी वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक तो लड़ेगा कि भाई क्यों निकाला। लेकिन राजा जनक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, समझने वाली बात है। और सीता कोई कमजोर लेडी नहीं थी, तो वो उनकी तरफ से भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि वापस वो आए और फिर लड़े। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है जो राम और सीता के मध्य हुआ था, उनके एकांत में हुआ था, जिसे हम समझ नहीं पाते। तो एक पूरे राम के चरित्र को देखते हुए ये मुझे लग रहा, मैंने एक प्रयास किया कि राम ने कहा क्या होगा सीता से, एक छोटे से पद में इसकी कोशिश मैंने की। उसके पहले पहले एक दोहा आया, एक दोहा बना, उसके बाद साल भर लगे एक कम से कम 10 लाइन के पद को लिखने में मुझे, क्योंकि धीरे धीरे मैं लिखता गया। पहली प्रतिक्रिया सीता के सामने राम की है, सब कुछ सुनने के बाद, स्वागत हो अरिजन से भी परुष परुष कठोर, हो अरिजन से भी परुष सिय परिजन का वार, हो अरिजन से भी परुष सिय परिजन का वार, लंक जीत लाया तुम्हें गया अवध में हार, लंक जीत लाया तुम्हें गया अवध में हार। लेकिन मुझे लगा कि मेरा मन नहीं भरा इस शेर से, मैं इस दोहे से लगा कि ठीक है टिप्पणी हो गई, इसे कुछ विस्तार दिया जाए, एक छोटा सा विस्तार देने का प्रयास है। पद के ही छंद में है कि अवध ने किया कुठाव प्रहार, अवध ने किया कुठाव प्रहार, लाया लंका जीत गया कोसल में तुमको हार, अवध ने किया कुठाव प्रहार, अपने सिर माथे लेकर इस क्रूर लोक की इच्छा, अपने सिर माथे लेकर इस क्रूर लोक की इच्छा, जो है अग्नि अधिष्ठात्री दी उसने अग्नि परीक्षा।
अपने सिर माथे लेकर इस क्रूर लोक की इच्छा, क्योंकि वो सिर्फ अग्नि अधिष्ठात्री तो थी लेकिन एक होने वाले राजा की पत्नी भी थी, इसलिए उन्होंने वो परीक्षा स्वीकार की। जो है अग्नि अधिष्ठात्री दी उसने अग्नि परीक्षा, जिसको साक्षी मान जोड़ता जग अपना संबंध, जिसको साक्षी मान जोड़ता जग अपना संबंध, उसने तुम्हें पवित्र कहा खाकर तब ही सौगंध। उसने तुम्हें पवित्र कहा और सौगंध भी खाया तो किसका? तुम्हारा। आखिर जब आप सीता पे भरोसा ना करें तो अग्नि तो अग्नि पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? आखिर वो किसकी सौगंध खाए? इसको सबसे पहले मैंने अपने एक शेर में बांधा था, तो शेर भी सुनाता चलूं कि पहले एक फारसी का शेर हो गया था कि ईशुनीदम बेखुदा गुफ्ताना ए नफसम बावजूदत ज मनावाज नयामत के मनम। इसका अर्थ बाद में बताऊंगा कि ईशुनीदम बेखुदा गुफ्ताना ए नफसम बावजूदत ज मनावाज नयामत के मनम, इम्तिहान लेके अगिन ने ये कहा ए रघुबर, इम्तिहान लेके अगिन ने ये कहा ए रघुबर, दिल में सीता के फकत आप हैं सीता की कसम, दिल में सीता के फकत आप हैं सीता की कसम। भाई वो अपनी अधिष्ठात्री की तो कसम खाएगी। तो उस वहां से मैंने ये बात फिर अपने लिए लिया कि जिसको साक्षी मान जोड़ता जग अपना संबंध, उसने तुम्हें पवित्र कहा खाकर तब ही सौगंध, और लोक यह राम राम जपते जो छिन ना घाता, और लोक यह राम राम जपते जो छिन ना घाता, किस मुंह से रामांगी पर झूठा आरोप लगाता, किस मुंह से रामांगी पर झूठा आरोप लगाता, वैसे भी इस लोक दृष्टि में उतरा कौन पवित्र, वैसे भी इस लोक दृष्टि में उतरा कौन पवित्र, है जो स्वयं चरित्रहीन वह बांटे फिरे चरित्र, है जो स्वयं चरित्रहीन वह बांटे फिरे चरित्र, जहां न हो सम्मान नरक कहते हैं उसको बुद्धजन, जहां न हो सम्मान नरक कहते हैं उसको बुद्धजन, लेकर मेरा प्रेम अवध से जाओ गहो गहन वन, जहां मेरा प्रेम, समझे कि जहां न हो सम्मान नरक कहते हैं उसको बुद्धजन, लेकर मेरा प्रेम अवध से जाओ गहो गहनवन, जहां न मेरा प्रेम वहां है मात्र खोखला नाम, जहां न मेरा प्रेम वहां है मात्र खोखला नाम, अवध रहेगा दशरथ सुत सिय संग विपिन में राम, जहां जहां न मेरा प्रेम वहां है मात्र खोखला नाम, अवध रहेगा दशरथ सुत सिय संग विपिन में राम, लोक दृष्टि का कर देगा उपचार वियोग हमारा, लोक दृष्टि का कर देगा उपचार वियोग हमारा, चीख चीख कर सिया सिया रोएगी सरयू धारा, चीख चीख कर सिया सिया रोएगी सरयू धारा, भले युगों के बाद किंतु जीतेगा मेरा प्यार, भले युगों के बाद किंतु जीतेगा मेरा प्यार, भले दोष दे मुझे कहेगा सती तुम्हें संसार, अवध ने किया कुठाओं प्रहार, अवध ने किया कुठाओं प्रहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।